जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लिक्विड ट्यूटोरियल में। वो दो दो गाड़ी लगाए हुए हैं। घर में ना ये देखो दोस्तों कि मैं अपना खेत बनवा रहा हूँ और ये जो है बहुत लगभग 50-60 सालों से ऐसी पड़ा था, पैसे की वजह से नहीं बन पा रहा था। और तो मैं सोचा कि इस बार काम लगा ही दे रहा हूँ, तो दो दो गाड़ी मैंने लगवाया है, जेसीबी है दोनों, देख रहे हैं कैश 770 EXI ये भी और ये वाला भी, दोनों चल रहा है धकाधक एकदम। और अब ये तीसरा दिन अभी काम चल रहा है, देखिए उधर से बनवाते बनवाते यहाँ आ गए हैं, अभी ये सब खराई हो रहा है। अभी ये देखिए इधर से भराई हो रही है, तो पेड़ है ये इधर भर गया है। कहाँ कहाँ लगे बाटा चलो सर, पतलन बाद में निकलवाएंगे, 5 मिनट आप लेने दीजिए, बड़ी टाइम लगता है इसे। आएगा उसमें सही से कोट नहीं खींचेगा, ढकला जाएगा उसका, है कोट ढकेल देगा, पहले उठाने दीजिए। क्या कर रहे तू लोग, तैयार रहा है? तैयार तैयार दादा लोग, दादा के दादा ने मेरे पापा के दादा लोग बनवाए थे। देखिए इसमें पानी भी है काफ़ी, और ये एक मेरा गाड़ी एक पापा की गाड़ी है, ये रास्ता है और ये देखिए स्कूल जाते हैं वाला रास्ता, स्कूल भी यहाँ से दिख रही होगी थोड़ा थोड़ा, मैं ज़रा ज़्यादा करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मेरा बाइक है, पापा की बाइक है, नई गाड़ी जैसे भी लगी है काम कर रही इधर, और वो भी लगी हुई है, दोनों गाड़ियाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिक्विड ट्यूटोरियल में। और ये देखिए सफ़ेद बनवाए हैं हम,
पहले से खेत नहीं बना था, इसी बार सब एसवी लगा कर बनवाया हूँ मैं। और क्योंकि पहले पैसे नहीं थी, जब मेरी जॉब लगी सैलरी आया तो पहले मैं खेत बनवाया, देख सकते हैं। तो पूरा गाय बिहन लगाया हूँ और ये देखिए बड़ा वाला खेत दिख रहा है, पूरा पानी जमा है। ये पापा हैं, बहुत रात में पानी मारी है, हम लोग 20-25 दिन से पानी के इंतज़ार कर रहे थे कब पानी आएगी। इंतज़ार करते करते आखिर पानी आई, लग रहा था कि इस वर्ष अब खेत बनाया डंड हो जाएगा, लेकिन पानी आई और पूरा खेत में पानी लग गई। अब हम लोग खेती करेंगे, एकदम मचा गया, बहुत भगवान को एकदम शुक्रिया है, लाख लाख। ये देखिए बांध रहे हैं और पानी को निकाल रहे हैं। ये देखिए इधर भी बनवाया है, यहाँ ऊपर जहाँ तक नज़र जा रही है सब खेत को बनवाया हूँ। अब कुआँ था बीच में पुश्तैनी वाला, वो भी ढह गया था तो उसको भी धर के मरम्मत करा दिया। ये देखिए कुआं को भी मरम्मत करा दिया है। ये देखिए कुआं जो ये खराब था, इसको भी धर के सीमेंट बालू करवा करके मिस्त्री लाख मरम्मत करा दिया। और देखिए इसमें एक सांप दिख रहा है, कुआं में तो सांप है। देखिए मैं जूम करके दिखा दूं लोगों को, ये देखिए तैर रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। एक ठो था इससे पहले तो उसको मार के फेंके थे, ये भी फिर से आ गया, इसमें पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। ये कुआं को भी झड़वाना है। ये देखिए पूर्ण रूप से पानी भर गया है चारों बगल से, इसको निकासी करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर बांध है ताकि पानी रुक सके, हाँ तो ये भी तोड़ देगा। इतना पानी मारा है कि सोच नहीं सकते हम लोग, बहुत भरकम पानी मारी है रात में। हम लोग पानी के इंतज़ार करते, देखिए तालाब बन गया है। और ये देख सकते हैं खेत बनवाए हैं, सब खेत में पूरा पानी लग गया है एकदम, और बड़ा का पानी लगा है, कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे थे पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, धान होगा कि नहीं होगा। और काफ़ी पत्थर जगह था, बहुत सारा पत्थर भी निकलवाया हूँ। और जो बीच बीच में पखल दिख रहा है ऊंचा ऊंचा, अब उस समय भींजा नहीं था खेत, अब भींगेगा तो फिर से इसको निकलवा देंगे सब पूरा पत्थर को अच्छे से, तब खेत एकदम मस्त हो जाएगा एकदम। और इसमें धान लगवाएंगे हम, ये देख सकते हैं नहीं क्या है, धस रही है पूरा एकदम, ऐसे अंदर तक चली जा रही है पैर। पूरा ऊपर से पानी आ रहा है, एक से पार हो गया दौड़ के। ये देखिए सब पूरा तोड़ दे रहा है, इतना पानी आ गई है, इतना चारों बगल से पानी बह गया है एकदम, पूरा ऊपर के खेत के पानी इधर ही आ जा रही है, उसी के चलते पूरा ये बांध टूट जा रहा है। ये देखिए उसका बनवा दिए हैं, इसमें कुछ कुछ लगाए हैं। तो इस तरह से चारों बगल जो नीचे का खेत दिख रहा होगा वहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब जेसीबी लगवाए थे दो ठो, उस जेसीबी के माध्यम से पूरे खेत को बनवाया है। पूरे 6-7 दिन लगा बनवाने में इसको जेसीबी से, खाली पत्थर निकल गई, फिर भी जितना भी है उतना में हम ठीक हैं, खुश हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।